थैंक यू कर्नल रमनी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं कर्नल द रेजिमेंट जनरल पोनप्पा, एक्स कर्नल ऑफ द रेजिमेंट जनरल ज्ञान भूषण सर, जो कि आर्मी कमांडर साउथ वेस्टर्न कमांड रह चुके हैं, एक्स सेंटर कमांडेंट्स ब्रिगेडियर निकम और महारेजिमेंट के समस्त ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों को जय हिंद बोलना चाहूँगा। और साथ ही ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो कि मेरे को मिला है आज आपसे बात करने के लिए, मैं इसके दौरान चंद एक इश्यूज को रेज करूँगा जो कि हमारे रोज के प्रॉब्लम जो भी रिटायर्ड एक मेंबर होता है उसके पास ये आते हैं। मैंने एक मैं इसको प्रेजेंटेशन के जरिए आपको दिखाऊंगा, लेकिन साथ ही आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन हमारे आर्मी के 50 से 60 हज़ार जवान हर साल रिटायर होते हैं। अगर हम अपना रेजिमेंट की तरफ ही खाली देखें तो तकरीबन 1000 से 1200 के करीब वो हमारे रेजिमेंट के जवान रिटायर होते हैं। सो अभी जब आप रिटायर होते हैं तब हमने तो अपनी सर्विस के दौरान पूछा था लोगों से कि भाई रिटायर होने के बाद क्या करोगे, तब मालूम आते नहीं सर, सबसे पहले ये जवाब मिलता है कि मेरे को अभी पता नहीं, अभी घर जाकर देखेंगे। सो ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद। आज की तारीख में आपको पता है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हमारे परिवार अलग अलग रह रहे हैं, जो गाँव में रहते थे वो शहर की तरफ आ रहे हैं, और आप रिटायरमेंट के बाद जब जाते हैं ना तो 6 महीने तो आपके पास पैसे अच्छे रहते हैं, जो आपको पेंशन मिल रही है साथ में आपको पैसे भी मिले हैं आपके रिटायरमेंट के, ग्रेजुटी के या आपके DSOP के या आपके PF के, लेकिन 6 महीने के बाद फिर ये तंगी आपके पास आने लगी। बच्चे आपके अभी छोटे हैं, उनको पढ़ाना है, उनको नौकरियों में लगाना है, कईयों की शादी करनी है, तो ये जिम्मेदारियां होती हैं। सो अगर आपके पास तकरीबन 35 से 40 हज़ार या 50 हज़ार पेंशन आ रही है तो आपको अगर 15 हज़ार या 20 हज़ार या 40 हज़ार रुपए और मिल जाए तो टॉपअप आपके लिए बहुत बढ़िया है और आपको सेकंड करियर के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक हमारे JCO साहब हैं सिखों की, मैंने 17 महार कमांड करी तो मैं जोधपुर में था और मैं उनसे मिला, मैं कहा क्या कर रहे हो, कहते सर बहुत बढ़िया एक हमको नौकरी मिली है रेलवे के अंदर जो है वो गार्ड्स में लगा हुआ हूँ। मैं कहाँ पर, कहता गेट्स, अनमैन गेट्स जो होते हैं जहां पर गेट नहीं लगे वहां पर हम बैठते हैं, हमें 28 से 30 हज़ार सैलरी मिलती है, घर के बगल पास में मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे को जो पेंशन आ रही है, अब मेरे को कार खरीदनी है, वो मेरे को बोलता है पेपर साइन कर दो। जब वो पेपर साइन किया मैंने तो वो कहता नहीं सर अब सिविल से खरीदेंगे क्योंकि हम जो कार खरीद रहे हैं वो हम कैंटीन में मेरे को मिलेगी नहीं। तो ये एक आपको छोटा उदाहरण मैंने आपको दिया। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास तजुर्बा बहुत है, जहां जहां पर भी आप काम करते हो वो ऐसे काम है, मैं भी आगे प्रेजेंटेशन के दौरान बताऊंगा, जो आपकी काबिलियत के अंदर है लेकिन आप उसको पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं करते हो। जो जवान एक NCO या एक JCO पठानकोट से लेकर के अगर श्रीनगर तक या ले तक पूरी कॉन्वॉय ले जा सकता है या उसकी पूरी इन्वेंटरी बना करके किस गाड़ी में 300 गाड़ी 400 गाड़ी 500 गाड़ी ले जा सकता है, उससे अच्छा उदाहरण सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या हो सकता है। इस चीज को आपने समझना, अपने अंदर अंदर झांकते को आपने किया हुआ है ये काम, आप कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर जाते हो। तो इस चीज को अगर आप समझेंगे कि आप में क्षमता है, काम करने का मुद्दा है आपके पास, आपको जॉब 200% मिलेगा। हमने आपको बताया कि अभी इस प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे वेटरन्स के पास है, हमारे डिपेंडेंट्स और हमारे वीर नारीज या विडोज जो हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। जब आपको जॉब्स की प्रॉब्लम हो रही थी तो आर्मी ने ये डिसाइड किया कि हम एक AWPO आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे, जिसके जिसका नेटवर्क जो है मैं अभी बताऊंगा, और उसके तहत हम आपको रोजगार देंगे।
रोजगार देना हमारा काम नहीं है, रोजगार दिलाने में मदद करना आपका काम है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, आपने भी बजानी है। और मैं उदाहरण देता जाऊंगा हर एक के साथ में कि कितनी जगह पर बड़ी अच्छे जवान अच्छी नौकरियां लगी हैं हमारे जवानों की। हमारे से जो ब्रिगेडियर हमारे से पहले जनरल सापरा होते थे, उससे पहले कर्नल जनरल ब्रिगेडियर शर्मा थे, तो जनरल सापरा के दौरान बहुत कुछ हुआ है, उसी प्रकार से उससे पहले भी हुआ। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या हम कर सकते हैं। तो AWPO आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा क्या है? ये एक सर्विसमैन विडोज डिपेंडेंट्स को कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर में उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। और हम सहायता प्रदान करते हैं और किस प्रकार से प्रदान करते हैं ये मैं बताना चाहूंगा अगली स्लाइड में। हमारा एक नेटवर्क है जो हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ पर है, जिसका कि मैं इंचार्ज हूँ। और इस पूरे का जो भारत का आप नक्शा आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे 17 नोड्स बने हुए हैं। ये तकरीबन हर एक स्टेट में जो मेट्रोज हैं, जो जहां पर की कारोबार अवेलेबल है, ये वहां पे हाजिर है। और ये सब जो हमारी कैंटीन है कैंट के अंदर लोकेटेड है, चाहे वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये लोकेशन है। हम पूना की बात करेंगे, पूना में है हमारे कर्नल जगबान सिंह वहां पर हैं और वो पूना कैंट के अंदर बैठते हैं। सो ये हमारा नेटवर्क, और उसी नेटवर्क के जरिए हम आपको रोजगार दिलाने में मदद करते हैं। और कैसे करते हैं, इसके लिए हमारी एक वेबसाइट है, उसका नाम है xarmynaukri.com। आप कभी भी इंटरनेट पे खोलें, अभी इसमें से मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें 40-45% लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा। और मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं शुक्रगुजार हूं ऑर्गेनाइजर्स का कि हमको ये मौका दिया कि मैं आपको इस बारे में बता सकूं। और xarmynaukri.com के अंदर कब आप कर सकते हो, रिटायरमेंट के पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हर चीज आपको दिखाई देगी, रिक्रूटमेंट कैसे, कौन कौन जॉब्स आप लेने चाहते हैं, लॉग इन और पासवर्ड, ये कब हॉट जॉब्स यहां पर आपको दिखाई देगा, कहां कहां की वैकेंसीज हैं हमारे पास और क्या क्या हम आपको कर सकते हैं। ओके, अब इस वेबसाइट पर आप कैसे जा सकते हो? हमने 54 सेंटर्स जो हमारे हैं ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री के अंदर, उन सेंटर्स में हमारा एक प्लेसमेंट सेल है, वहां हमारा एक JCO साहब बैठता है आर्मी प्लेसमेंट सेल का। उस प्लेसमेंट सेल के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक लॉगर आईडी एक नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। और जब आप उसकी पेमेंट करते हैं, उसमें जो है आप ये देख सकते हो कि आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड लेकर के आप इसके ऊपर अपने आप को देख सकते हो और क्या क्या नौकरियां अवेलेबल हैं आपके लिए। वो आप इसी वेबसाइट के जरिए हम आपको SMS भेजते हैं। अभी एक साहब आए थे हमारे पास, उन्होंने बोला सर हमें तो हमने 2019 में रजिस्टर किया था, हमारे को SMS आया ही नहीं। हमारे इस वेबसाइट के जरिए हम खोलकर उनको हमने बता दिया कि आपके पास 61 SMS भेजे हुए। तो कहता हाँ साहब ये तो आते थे और हमने तो उसको ध्यान नहीं दिया, मैं तो फिर किस लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। तो ये जानकारी और इस पर जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आप अगर जागरूक रहेंगे और मिलाप करते रहेंगे प्लेसमेंट नोट्स के साथ में, तो आपको अब आप ही का फायदा होगा। अब मैं आपको बताऊंगा हम करते क्या है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसमें ESMs, विडोज और डिपेंडेंट्स, ESMs, इसमें JCOs के लिए वन टाइम पेमेंट होती है 500 रुपीज, और जवानों के लिए 300 रुपए में एक बार वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ विडोज और डिपेंडेंट्स का हम कोई फीस नहीं लेते हैं। और उसके बाद हम उनको जैसे जैसे उनकी काबिलियत के जरिए, एक हमारे पास इसके जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, यहाँ पर एक हमारा रिज्यूमे बिल्डर है, इसके अंदर आपके रिज्यूमे भी बिल्ड हो सकती है। आप उसमें एक पेज का या दो पेज का रिज्यूमे आपको मिल जाएगा और वो रिज्यूमे जो है किस जॉब के लिए आपने जाना है उसके उसके मुताबिक बनेगा और आप उसको लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आपकी करियर काउंसलिंग करते हैं। हम मतलब जहां जहां पर नोड है आपको नोड में जाना पड़ेगा, या मिलाप करो या बात करो, आपको ये गाइडेंस भी करेंगे कि भाई आपने आप इस लाइक सूटेबल नहीं, आपको इससे अच्छी नौकरी मिल सकती है।
वो गाइडेंस भी हम आपको देंगे। जब हमारे पास कोई वैकेंसी आती है उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो वैकेंसीज हम आपके पास भेजते हैं, आपसे विलिंगनेस मांगते हैं कि भाई मारुति कामले आपके लिए ये जॉब है, आपने एमटी हवलदार किया था यूनिट के अंदर, आज एक हमारा एमटी फ्लीट के लिए व्हीकल ट्रांसपोर्ट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है और आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, आप देना चाहेंगे, वो अपना कंफर्मेशन करते हैं, उसके बाद फिर हम पैनल बना करके उस कंपनी को भेजते हैं और वो कंपनी आपसे इंटरव्यू करता है। ओके, उसके बाद एसएमएस हम ईमेल हमने बात करी वो भी आपके पास आते हैं और आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो रिज्यूम है जिसकी हमने बात करी, वो हम प्रोफाइल एम्प्लॉयर के साथ शेयर भी करते हैं कि भाई ये है मारुति कामले, इसका जो है प्रोफाइल ये है और ये इन इन चीजों में कर चुका। मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि आप में काबिलियत है, इसका पूरा इस्तेमाल करो। आप घर जाकर के बैठ जाते हो 6 महीने, उसके बाद खोजते हो कि नौकरी क्या करनी है। ओके, इंटरव्यू गाइडेंस, इसकी भी हम तैयारी करते हैं और आपको मैं बताऊं, जो हमारे नोड्स हैं यहाँ, जो डायरेक्टर्स रीजनल ऑफिसर्स हैं यहाँ, जो डायरेक्टर्स बैठते हैं, ये आपका रिज्यूमे बनाने में भी मदद करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपने बातें किस किस कर चीजों की करनी है और कैसे इंटरव्यू देना। ओके, नाउ और नौकरी के अवसर, कहाँ कहाँ आपके पास नौकरियों के अवसर है? प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट्स है। आपको मैं बताऊंगा यहीं पर ही कि हम अमेजोन, बड़ी बड़ी कंपनी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, दिल्ली मेट्रो, पूना मेट्रो के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, पूना नागपुर मेट्रो के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद जेएनयू है यहां पर, तिरुपति है, इन जिन जगहों पर हमारे पास जॉब के ऑफिसर आए हैं और डेली हमारे लगते, तकरीबन हम महीने में 1000 से 1200 जवानों को नौकरी लगाते हैं इसके। तो प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है और अलग अलग तरीकों की आती है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अपने संगठन, आर्मी के अंदर, डिफेंस के अंदर कई एक ऐसी जगह है, मिलिट्री कैंप्स है, कैंटीन्स है, ECHS है, मिलिट्री स्टेशन है, क्लर्क्स की जरूरत है, ड्राइवर्स की जरूरत है, नर्सिंग असिस्टेंट्स की जरूरत है, जेसीओ साहबान जो कैंटीन चलाते हैं उनकी जरूरत है, स्कूल्स में जरूरत है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स है, जो हमारा संगठन है उसमें भी आपके पास अवसर। DGR, डायरेक्टर ऑफ रिसेटलमेंट जो है, इसके पास, इसके माध्यम से भी आपको डिस्ट्रिक्ट जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू ये आपको वैकेंसीज यहां पर आती हैं, तो आपने वहां पर जाकर के भी रजिस्ट्री करना। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इसके बारे में मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगा, यहां बताना उचित समझता हूं कि आपके लिए तकरीबन 30,000 से 40,000 वैकेंसी सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट में रिजर्व है। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड उतना मजबूत नहीं है कि हम इन एग्जामों को पास कर सकें, हालांकि इतना टफ नहीं है, आपको बहुत सारी उसमें रियायतें दी जाती हैं, आपको उम्र की रियायत दी जाती है, आपको आपके जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसके लिए भी आपको रिलैक्सेशन है, वो क्या है मैं आगे बताऊंगा। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, अभी राजस्थान के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 79 वैकेंसीज आती थी और 79 की 79 जो है वो हमारे एक सर्विसमैन ने जीती, बी और सी में, ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंदर। और ये वैकेंसीज आज, ये वैकेंसी जो है आज नहीं, आज से थोड़े दिन बाद इसका पता लगेगा, क्योंकि यही जवान जो है लेटर ऑन चल करके और रिटायरमेंट से पहले ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिविजन कमिश्नर बनेंगे। सो इस चीज को आपने जो पढ़े लिखे हैं या जो 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 इन इन टेस्ट को पास करना चाहते हैं वो जहन में जरूर रखें। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आज का जो है ये ऑर्डर ऑफ द डे है, आपको मैं बताना चाहूंगा। छोटे छोटे कारोबार चलाना ये बहुत आज की तारीख में, आप अभी हमारा जवान जो है अब सांगली का रहने वाला है या बीड का रहने वाला है, उसने अपना घर बनाया है, फादर मदर उसके साथ रहते हैं और अब वो एक बार जब घर चला गया और 6 महीने जो पैसे कमाए थे उसने यूज कर ली, अब उसका मन वहां लग जाए कि भाई अब मैं उसको बोलूं कि आगे जलंधर में नौकरी करो तो वो मारुति कामले कभी नहीं आएगा। सो इसको ध्यान में रखना है आपने कि अगर आप गांव में रहना चाहते हैं
तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को यूज करना जरूरी है। और छोटे छोटे कारोबार, अभी हम एक हाल ही में उत्तराखंड में एक हमने एक सेमिनार किया, और बड़े रिमोट एरिया के अंदर, और उसके अंदर ये जो खादी उद्योग है, खादी उद्योग है, बैम्बू का फर्नीचर बनाना है, इसके अलावा चंद एक कपड़े, घरों में लड़कियों के पास, लेडीज जो है रिटायर वो आती है शादी करके, हर एक के पास एक मशीन होती है, वो क्या करते हैं कपड़ा लगा करके सजा के रखते हैं। एक मैडम आई, उन्होंने देखा भी तुम्हारे पास मशीन है क्या, कुछ नहीं, उन्होंने कपड़ा दिया, वो काटा, उसके बाद वो बेचने लगे, और उसके बाद अच्छा खासा कारोबार बन गया। तो आपको ये भी देखना है, अब महाराष्ट्र के अंदर क्या है, बड़े अच्छे मसाले हैं हमारे, फ्रूट्स बड़ा अच्छा, नागपुर बेल्ट जो है इसके अंदर फ्रूट्स बड़े अच्छे होते हैं। अब उसको कैसे आपने सेल करना है, कोई एक आप उसमें, उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अपने एक सर्विसमैन की दो या तीन आदमी मिलकर के बना सकते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए। तो ये आपको इन चीजों को देखना, उसकी मदद हम करेंगे। इसी के साथ अभी गवर्नमेंट ने मुद्रा लोन दिया हुआ है, जो माइक्रो फाइनेंसिंग है, वो मुद्रा लोन दिलाने के लिए भी हम आपकी मदद कराएंगे। हमारे पास ऐसे चंद एक लोग हैं जो कि इन चीजों में एक्सपर्टीज रखते हैं। मैं ये स्लाइड इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आपको ये नहीं लगना चाहिए यार मैं तो यूनिट में था वहां पर ये करता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। एक सूबेदार मेजर साहब एक इन्फेंट्री बटालियन के 800 आदमी नहीं, 800 × 4, क्योंकि हर जवान के फादर मदर अगर शादीशुदा नहीं है, फादर मदर भाई भी है उसके, तो चार आदमी, 3200 से 4000 आदमी को का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। आज सिविल में क्या बोलेंगे, HR/एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, सीनियर JCO या सूबेदार एडजुटेंट, पूरी यूनिट चलाते हैं वो, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के लॉस प्रिवेंशन। तो मैंने ये आपको खाली एक लॉस प्रिवेंशन मैनेजर बताया है, लेकिन सीनियर JCO और सूबेदार एडजुटेंट भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर के लिए पूरी तरह से सक्षम है। क्वार्टर मास्टर, क्वार्टर मास्टर जहां 800 आदमियों को खाना खिला सकता है, कभी लंगर में आज तक खाना कम हुआ मैं तो नहीं देखा कभी। तो सप्लाई चेन मैनेजर के लिए आज की तारीख में ये क्या कर रहे हैं, अमेजोन आप स्टोर क्लोथिंग आप बांटते हो, कैसे आपने लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट की किताब मारुति कामले के क्या के कितना उसकी लाइफ साइकिल के हिसाब से बनता है वो आप बताते हो, इस सप्लाई चेन मैनेजर के लिए सबसे बड़ा इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितनी ब्यूटीफुली आप उसको करते हैं अपनी यूनिट के अंदर। हाँ ठीक है, वहां डांट हमसे जरूर, हमारे जैसे लोगों से डांट जरूर पड़ी होगी, लेकिन वो आपके सुधार के लिए, लेकिन आप मास्टर हो गए उसके अंदर। और आप आज की तारीख में अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उसके अंदर सप्लाई चेन मैनेजर बन सकते हो। मैं सवलदार या गेस्ट रूम एनसीओस, मैं सवलदार होता है आपका ब्यूटीफुल, कितने अच्छे तरीके से वो मैस चलाते हैं, या गेस्ट रूम एनसीओस है, अफसर आता है कोई आता है उनको देखता है खाना है ये है क्या, पानी नहीं आ रहा, फलान नहीं आ रहा, जनरेटर चलाना है, 50 चीजें। हॉस्पिटैलिटी मैनेजर, अभी मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ, कुर्ग के अंदर एक टाटा ग्रुप सभी आया है और वो गेस्ट हाउसेस बना रहे हैं, गेस्ट हाउसेस को पूरा का पूरा हमारे पास आए वो, हमने हमसे बोलते हैं हमें आर्मी वाले चाहिए जो कि हमारा गेस्ट हाउस, हमने कहा बिल्कुल मिलेंगे, और हमने उनको 4 आदमियों के नाम दिए, उनकी वैकेंसी 2 थी, कहते सर पहले हम इसका पायलट प्रोजेक्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे, अगर अच्छे लगे तो फिर हम और आपसे लेंगे। हमने 2 वैकेंसी के लिए 4 आदमियों के नाम दिए, वो 3 जवान तो पहले सिलेक्ट हो गए, और कहते हैं भाई ब्यूटिफुल, अब बड़े खुश हैं वो, अभी वो शुरू होने वाला है कुर्ग में। सो अगर कलनवत रेजिमेंट सुन रहे हैं तो ये उनके लिए भी खुशी की बात है। CHM BHM असिस्टेंट HR मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, बिल्कुल किसको छुट्टी जाना है, किसको नहीं जाना है, कहाँ किसको कहाँ पर ड्यूटी लगाना है, और उसी तरीके से HR मैनेजर यही करता है। एडम JCO NCO लॉजिस्टिक्स, पूरी लॉजिस्टिक्स संभालते हो, चाहे लड़ाई हो चाहे वो पीस टाइम हो। MT JCO ट्रांसपोर्ट मैनेजर, ब्यूटिफुली गाड़ी का सारा CME से लेकर के एवरीथिंग आप करते, इसको इन चीजों को अपने आप लिए स्ट्रॉन्ग करना है, और आप ये कर सकते हो, ये मेरा पूरा दावा है। ओके, नाउ गवर्नमेंट जॉब्स, मैंने आपको बताया कि 20,000 से 30,000 सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स जो हैं वो वेस्ट जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जवान वो क्लियर नहीं कर सकते। हमारे प्रेडिसेसर जनरल सापरा जाट रेजिमेंट के थे, उन्होंने ये इतना खूबसूरत सिस्टम ये शुरू किया है, और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक तरीके की ट्रेनिंग हमने सेंटरों में शुरू करी,
ये 4 महीने की ट्रेनिंग एक हमने रिसोर्स प्रोवाइडर को इन्होंने सिलेक्ट किया और वो रिसोर्स प्रोवाइडर जाकर सेंटर में जाकर के ट्रेनिंग देता है। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर से ये 4 साल पहले ये कार्रवाई शुरू हुई। 4 महीने का कोर्स होता है, रिटायरमेंट के लास्ट ईयर में, ये नहीं है आज ही भेज दो अभी उसके 4 साल बाकी हैं, वो नहीं चले। ओके, सो लास्ट ईयर में जो है वो जवान जाता है, 4 महीने का कोर्स करता है और उसके बाद उससे पहले सिलेक्ट करते हैं, ये टेस्ट लेते हैं, 7 दिन की ट्रेनिंग, उसके बाद स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग के बाद उसको 4 महीने का कोर्स करते हैं। और क्या पाया गया हमारे पास इंग्लिश अवेयरनेस नहीं है, जनरल अवेयरनेस की कमी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन हर एक यूनिट में, बड़ा खूबसूरत CTL कंप्यूटर ट्रेनिंग लैब है, कितने जवान उसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, हर हेडक्वार्टर्स में CTL ब्यूटीफुल, कोई भी विजिट होती है सबसे पहले हम उनको वहां दिखाते हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। ये इनको इस्तेमाल करना है और CTL कंप्यूटर ट्रेनिंग, इंग्लिश अवेयर, इंग्लिश स्पीकिंग ऑब्लिक अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा है जनरल अवेयरनेस। अगर ये 3 चीज में आपकी प्रोफिशिएंसी है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तक हमने ये कोर्सेज तकरीबन 16-17 कोर्सेज चला रखे, सिखलाई में चला, सिख रेजिमेंट में चला, राजपूत रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, अभी BEG सेंटर पूना में चल रहा है, 23 डे 2 माह के लड़के उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 माह 5 माह के लड़के उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमने अपने सेंटर कमांडेंट साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, वो भी अभी इस चीज को शुरू करेंगे। और तकरीबन 600 जवान अभी तक हो चुके हैं और हमारे को जो सक्सेस रेट है वो तक ऑलमोस्ट 25-27% जो है आज की तारीख में हमको सक्सेस रेट बी और सी ग्रुप सी में मिल रहा है। और ये जो आप एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, ये रिटायरमेंट नाउ, इसी के साथ मैं यहीं पर एज का भी आपका इश्यू किल कर दूंगा कि अगर एक जवान 45 साल में रिटायर होता है और उसने 25 साल की नौकरी करी है तो उसमें से उसकी सर्विस की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी, तो एग्जाम देने के लिए वो 20 साल तक की उम्र पे आ जाएगा और प्लस 3 ईयर्स रिटायरमेंट के 3 साल के अंदर आपने ये एग्जाम देना है। और हमारे महाराष्ट्र के अंदर काफी लोग पुलिस में गए, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि एकदम नहीं गए, काफी लोग पुलिस में गए हुए हैं। सो एग्जामिनेशन क्लियरेंस, जैसे मैंने कहा, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इसमें तकरीबन पास परसेंटेज जो है सिर्फ 30% है आपके लिए, बाकियों के लिए 17% है। सब्जेक्ट्स इसके अंदर मैंने आपको अभी जिक्र किया था। और इसमें क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट जेल वार्डन, इंस्पेक्टर ऑफ स्टेट, इंस्पेक्टर स्टेट पुलिस के अंदर, अभी हमारे साथ एक ADC 2 होते थे जब मैं DEPTMS था, वो भी आज इंस्पेक्टर बने हुए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सो ये आपके फायदे के लिए है और इस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। ऑलराइट, अपने कौशल का विकास, अपने आप को, आज कल ही मैं पेपर पढ़ रहा था, आज पेंडेमिक के बाद बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं और क्या चेंजेस हुए हैं, सब घर में, सब मोबाइल पे काम करते हैं, सब अपना कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो इसमें कंप्यूटर का, जब आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल भी आना चाहिए। अपने बच्चों से सीखो, कोई शर्म नहीं है किसी चीज में, हमेशा याद रखिए सीखने में कभी शर्म नहीं करना, और आप शर्म किया तो आप कभी नहीं सीख पाओगे, इसलिए कंप्यूटर का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज कोई बात नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की, अभी भी समय है, उसको सीखो, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। सॉफ्ट स्किल्स, कैसे बात करना, आपको पूरी इंडियन आर्मी में हमेशा यही सिखाया गया किस प्रकार से बात करना, हाँ गर्म और ठंडा, कभी हड़काना है कभी प्यार से बात करनी है, ये चीज को अगर आप अपने साथ रखेंगे तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। पर्सनल कंडक्ट, अपने आप को, बहुत कम होंगे ऐसे इनडिसिप्लिन, अब ज्यादातर जवान जो है वो डिसिप्लिन होता है क्योंकि आपके अंदर भर दिया गया है इतनी अच्छी तरीके से पूरी सर्विस में और ट्रेनिंग के दौरान कि अपना कंडक्ट, ये 4 चीजें अगर आपने अच्छे से कर ली और थोड़ा सा बात करने का आपको जरिया आ गया तो आप नहीं। परसों मेरे पास एक JCU साहब आए, उनके लिए उन्होंने कहा साहब मैं नौकरी, उनको हमने रेकमेंड किया था और परसों की बात है 50,000 की नौकरी उनकी लग गई, डे बिफोर यस्टरडे, ये मैं फ्राइडे की बता रहा हूँ आपको। सो आप में ये हुनर है और इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करना। इंपॉर्टेंट जानकारी, एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, मैंने आपको बताया कि कैसे क्या आपकी एज रिलैक्सेशन, जो आपकी जितनी आपकी उम्र है आज की तारीख में उसमें से आपकी सर्विस माइनस हो जाएगी। एजुकेशन, 10th पास प्लस
और 15 साल, ये जो है ये एजुकेशन आपकी, अगर आप 10th पास है और 15 साल आपने किया है और आपने मैं क्या बोलते हैं UAE 1 किया हुआ है, तो आप ग्रेजुएट डीम्ड होंगे फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। डीजीआर कोर्सेज, डीजीआर में ईएसएम के लिए भी कोर्सेज हैं रिटायरमेंट से पहले, और विडोज के लिए भी हैं। और उसके अंदर हम डीजीआर को हमने हम लोग भी ये बताते हैं कि हर साल वो अपने कोर्सेज रिव्यू करें, और वो करना भी शुरू हो गया। अच्छा, रिकॉर्ड से जो है प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने लेना है जब आप रिटायर होते हैं, या अगर जिनको नहीं मिला, अगर इफ आई विल रिक्वेस्ट सेंटर कमांडेंट इज लिसनिंग टू माय कॉन्वर्सेशन, आई विल रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज टेक अ नोट, एंड इफ वी कैन प्रोवाइड देम दिस काइंड ऑफ अ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इट बी वेरी गुड। एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल या और मुद्रा लोन्स के बारे में आपको बताया, इसको जरूर इस्तेमाल। मुद्रा लोन जो है 50,000 के बाद, एक 50,000 से 5 लाख, और 5 लाख से के बाद जो है ये 10 लाख तक आपको ये मुद्रा लोन मिलती है। इसमें शिशु लोन बोलते हैं, किशोर लोन बोलते हैं, और तरुण लोन बोलते हैं, तो इसको इस्तेमाल करें। डीजीआर की स्कीम्स हैं, कई एक आती रहती हैं, उसको भी आपने देखना। और ये चीजों की जानकारी आप इनसे लेते रहे जो हमारे AWPO के जो मेंबर है, तो इसलिए बड़ा अनिवार्य है आपके लिए कि इस पर रजिस्टर करना, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं इसके ऊपर आपके पास, जो मैंने बताया आज स्टेट गवर्नमेंट में रिजर्वेशन है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की वो निकलती है उनका सेट रिजर्वेशन कोटा होता है, आमतौर पर 10%, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। चंद एक स्टेट में बहुत ही कम है, कई कई 3-4 स्टेट, 4 स्टेट्स ऐसे हैं जैसे बिहार हो गया या केरला हो गया, इनमें है ही नहीं रिजर्वेशन। तो ये जो रिजर्वेशन की जो कोटा है इसको आपने इस्तेमाल। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र के अंदर मेस्को है, ये कोई ये कोऑपरेशन, महाराष्ट्र स्टेट एक्स सर्विसमैन कोऑपरेशन, ये जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है जहाँ के थ्रू आपको जॉब्स मिलते हैं। सो हमारे थ्रू हम उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमारे पास उतने जॉब्स नहीं आ रहे। और एक बात बताऊं, हमारे को हम आउटरीच करते हैं लोगों के पास, दिन भर हमारा एक ही काम है, कहीं कॉरपोरेट्स के पास जाना या ऑटोनोमस बॉडीज से मिलना कि कितने जॉब्स मैं ला सकता हूँ, और यही काम हमारे डायरेक्टर्स भी करते हैं। अभी पूना का डायरेक्टर हमारा नागपुर गए थे, वहां पर जाकर के उन्होंने कंपनियों के साथ में मिलाप किया और लेकर के जॉब्स आए नागपुर। सर्विस के दौरान ट्रेनिंग, नाउ इफ द सेंटर कमांडेंट इज व्यूइंग दिस, ये उनके लिए है कि कंप्यूटर की जानकारी, मेल भेजना, ज्यादा नहीं मेल भेजना है, रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। आई थिंक वी नीड टू लुक इनटू दिस एस्पेक्ट फ्रॉम अ वेरी वेरी क्लोज डिस्टेंस, इट विल डेफिनेटली हेल्प आवर बॉयज, डेफिनेटली। आई एम 200% सुप्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका, इंग्लिश की बेसिक जानकारी अगर आप दे सकते हैं, कोई भी वेंडर आप किसी को भी ला सकते हो सिखाने के लिए, ये चीज है। अगर और आपको मैंने बताया सक्सेस रेट जो है हमारा, ये तकरीबन ये आज की तारीख मैनेजमेंट्स में, ये चंद एक वैकेंसीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये 12th पास तकरीबन 20 से 30 हजार वैकेंसी, सैलरी पूरी फुल मिलती है ऑल इंडिया आपको, ये लोकेशंस है। स्टेट गवर्नमेंट में अगेन लास्ट पेड राउंड स्टेट लेवल पर, इसकी रिजर्वेशंस के बारे में मैंने आपको बताया, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिजर्वेशन है, कहीं 2% भी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में 10% रिजर्वेशन। रेलवे कॉन्ट्रेक्चुअल, ये भी आजकल हम लोग AWPO ने कई एक कंपनीज के रेलवे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट, अहमदाबाद के अंदर है हमारा सेंट्रल रेलवे में, और ये पूरा जो राजकोट है या भावनगर है इस एरिया के अंदर, हमारा पंजाब के अंदर है, दिल्ली के अंदर रेलवे के साथ कॉन्ट्रैक्ट। लैंड बोर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, इसमें ग्रेजुएशन की जरूरत है, और मैंने बताया अगर आप 12th पास हैं तो आप रिटायर होते हैं तो आप डीम्ड ग्रेजुएट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, और ऑल इंडिया। दिल्ली मेट्रो, तिरुमला, इसमें हमारी सिक्योरिटी कंपनीज हैं जो कि एक सर्विस मिल, अच्छी सैलरी 22 to 25,000 सैलरी मिल रही। मैंने बताया अगर आपको 35 से 40 हजार सैलरी मिलती है और तकरीबन 20 हजार आपके पास और आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस। ब्रेड बटर के अलावा जैम भी हो जाता है। और CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें CISF में अभी 2,000 वैकेंसी आई थी, और हमारे जवान उसमें
मैं डायरेक्ट मिलाप में था, और 2000 वैकेंसी में तकरीबन 1260 वैकेंसी हमारी पूरी की पूरी सीआईएसएफ ने ली, उसमें 1260 जवान को नौकरी उसमें मिल गई। इसके अलावा 400 और रिजर्व में भी हैं, और आपने देखा वह 725-35 की उन्होंने अभी हाल में फिर से उसकी रिक्वायरमेंट निकाल दी, और ये रिक्वायरमेंट जो है इनके इंटरव्यूज अभी शुरू हो गए। उसी हिसाब से असम राइफल्स में है अभी, असम राइफल का भी निकला है, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की भी रिक्वायरमेंट अभी निकली। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, HDFC, ये रिलेशनशिप मैनेजर इसमें हमारे पास आते हैं। 17 से 20 हजार आपकी इसके अंदर आपका इनकम है, और उसके अलावा जितने आप इंश्योरेंस कराते जाओगे उसमें कमीशन मिलती जाएगी आपको। और ये गांव के अंदर ही रहना है, आसपास घूमना है, और लोगों को 3 से 4 इंश्योरेंस आपने करा दिया, आपके अच्छे पैसे। और गवर्नमेंट बैंक्स, स्टेट बैंक की जो रिक्वायरमेंट है स्लाइटली डिफरेंट है, 80 से 100 तकरीबन वैकेंसी इनकी आती है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपनी तरफ से थोड़ा आगे बढ़ना है, और आपके पास अवसर बहुत हैं। चाहे आप घर से नौकरी करना चाहते हैं, अभी एक स्कीम हमारे पास आ रही है घर से नौकरी, थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग देंगे 1 महीने की, और उसके बाद आपका हैंड होल्डिंग करेंगे, और आपने सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर अपना काम करके वो असाइनमेंट आएगा और उसकी आपको पैसे मिलते जाएंगे। ये भी बहुत बढ़िया एक जरिया है। तो इन चीजों को थोड़ा सा जागरूक रहना बड़ा जरूरी है, शाम को जाके सो नहीं जाना, ये जागरूकता जो है ये आप ही के फायदे के लिए है। ये चीजें मैं आपको सोच रहा कि इस समय के दौरान चंद एक चीजें जो मैं इंपॉर्टेंट थी वो मैं बताया है। और आपके पास एक, हाँ, डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स के लिए भी हम AWPO जिम्मेदार है, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। विडोज के लिए भी जिम्मेदार है, लेकिन विडोज का प्रॉब्लम क्या है, वो बाहर नहीं जाना चाहती। हर एक कोई को मिलिट्री कैंट के अंदर नौकरी चाहिए, और मिलिट्री कैंट में नौकरियां थोड़ी सी लिमिटेड है, इसलिए अगर कोई कारोबार वो कर सकती है। अभी जैसे मैंने बताया जो हमने हल्द्वानी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल दिया था, वहां पे एक लेडी और एक हस्बैंड दोनों आ गए, और वो पूरी फ्रेंचाइज ले रहे हैं अपनी। एक दो जवान आए हैं, उन्होंने बैम्बू फार्मिंग शुरू करी। आज चेन्नई के अंदर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स चला रहे हैं, मशरूम फार्मिंग है, अलग अलग चीजें। और नागपुर का जो बेल्ट है, जो इस महाराष्ट्र का इतना रिच बेल्ट है कि इसमें तो घर बैठे ही आदमी कमा सकता है, हर जगह एक कॉटेज इंडस्ट्री है। और आने वाले समय में एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल जो है यही काम आएगा। हमारी तरफ से बोलने को तो काफी समय का अभाव है, कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, इसलिए मैं यहीं पर अपना प्रेजेंटेशन को रोकूंगा, और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज हमारी जो वेबसाइट है और मेरा नंबर जो है सेंटर कमांड सेंटर में भी अवेलेबल है, आप हमारे इन नोट्स में भी जाके देखेंगे, आप हमसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।